أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللقمان، سورة لقمان، سورة نمبر 31، آيات نمبر 20. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا. اب دیکھیں سورة لقمان میں ہم نے سب سے پہلے किताब के मुताबिक देखा था, फिर उसके बाद हजरत लुकमान है वो अपने बेटे को क्या क्या नसीहतें दे रहे थे, चलना फिरना और अपने मतलब कैरेक्टर को कैरेक्टर बिल्डिंग के एक्चुअली ताल्लुक से थे वो दोनों के दोनों रुकवाद जो थे, किस तरह चलना है, कैसे बात करना है और अपने लोगों के खुद हाँ शिर्क नहीं करना है, एज वेल एज अपनी भी सलाह करते रहो साथ साथ दूसरों के भी मतलब उसके लिए कोशिश रहो कि वो भी सुधर जाए. अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो आयात कौनिया हैं उनका मतलब वो बताया जा रहा है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अलम तरो क्या लम नहीं ता तुम रा वावलिफ तुम सब रा देखा क्या नहीं तुम सब देखते अन्ना के अल्लाह अल्लाह सखरा लकुम सखरा मुसखर कर दिया उसने मुसखर कर दिया अल्लाह ने मुसखर कर दिया लकुम तुम्हारे लिए माँ फिस समावाती माँ जो पी में असमावाती आसमानों में जो है आसमानों में व माँ फिल अर्दी व और माँ जो पी में अल अर्दी जमीन में व असबगा अलैकुम व और असबगा उसने पूरा कर दिया अलैकुम तुम पर हुम तुम अला पर न्यामहू न्यामा नेमते हु उसकी उसकी नेमतों को तुम पर पूरा कर दिया जाहिरतन व बातिनतन जाहिर तौर पर भी और छुपे हुए तौर पर खुली हुई भी नेमतें जाहिर पूरी कर दी हैं और छुपी नेमतों को भी उसने तमाम कर दिया है. क्या नहीं तुम सब देखते कि अल्लाह मसखर कर दिया है तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो आसमानों में है और जो जमीन में है और उसने तमाम कर दिया है पूरा कर दिया है तुम पर उसकी नेमतों को खुली और छुपी हर किस्म की नेमतों को व मिनल नासी व और मिन से अन्नासी लोगों और लोगों में से मन जो युजादिलू या वो मुजादला करता है जो झगड़ता है फिल्लाही अल्लाह के बारे में बिगैरी इल्मिन बगैर किसी इल्म के वला हुदन व और ला नहीं हुदन हिदायत है वला किताब मुनीर और व और ला नहीं किताब किताब मुनीर रोशन ना ही कोई हिदायत है और ना ही कोई किताब रोशन है हाँ जी रोशन किताब है बगैर किसी इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किसी किताब मुनीर के. क्या तुम सब नहीं देखते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए आसमान और जमीन को मसखर कर दिया है यानी कि अल्लाह सुबहान तआला ने जो इंसान की तखलीकात इंसानी तखलीक है उसके लिए आसमान और जमीन को क्या कर दिया ताबे में दे दिया. कि देखें हम जमीन को जिस तरह चाहते हैं सींच देते हैं जो जो फल बोना चाहते हैं बो लेते हैं कोई हमें रोक लेती है जमीन हाथ पकड़ लेती नहीं नहीं तुम सेब नहीं बो सकते तुम खजूर नहीं बो सकते नहीं ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कर दिया जमीन को ताबे कर दिया. वैसे ही आसमान है अल्लाह सुबहान जब आसमानों में हमने जहाजों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से बादल एक के ऊपर एक तहबत है और वो कैसे हैं पहाड़ों की मानिंद है कोई वो नहीं है मतलब रुई की तरह नहीं है जैसे हम देख रहे होते हैं इतनी तेजी से चल रहे होते हैं आपने देखा जब जंप होता है प्लेन इस तरह से बम्पिंग टाइप का तो वो क्यों हो रहा होता है क्योंकि सामने बादल आ रहे होते हैं ना और सख्त बादल आ रहे होते हैं. तो ये आसमान और जमीन में तुम कैसे मतलब अपने सारे काम तुम्हारे आसमान और जमीन से निकल रहे हैं किस वजह से क्योंकि अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं वो
और अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन सबको क्या कर दिया, ताबे कर दिया, और हर किस्म की नेमत चाहे वो खुली हो चाहे छुपी हो तमाम नेमतों को अल्लाह ने कामिल कर दिया। नेमत जाहिरा कौन सी है, जो हमारे सामने है हम दुनिया में देख रहे हैं, और नेमत बातिना इल्म है, रहमत है, ये सारी देख नहीं सकते ना हम, लेकिन ये भी तो नेमत है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा ये हम सूरह लुकमान पढ़ रहे हैं और शुरू भी सूरह किससे हो रही है, किताबुल हकीम, हिकमत, और ये किसके बारे में किसके मुताल्लिक है, हकीम लुकमान के। तो सारी सबसे बड़ी नेमत बातिना तो हिकमत है। तो अल्लाह सुबहान तआला ने छुपी हुई नेमतें और जाहिर नेमतें सारी की सारी नेमतों को इंसानों के लिए तमाम कर दिया, मुकम्मल कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिया, इल्म अता कर दिया, जन्नत है दोजक है सारी चीजों को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। नेमत है एक्चुअली, जन्नत ही होगा इसमें। वमिन नासी मन युजादिलु, और फिर भी जबकि अल्लाह सुबहान तआला की इतनी नेमतें और इतनी रहमतें हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, बगैर इल्म के, बगैर हिदायत के, बगैर किसी दलील के क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में झगड़ते हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ। وَإِذَا جَبْ قِيلَ कहा जाता है पैसिव है, قَالَ का पैसिव है, قَالَ मतलब उसने कहा, قِيلَ जब उससे कहा गया, وَإِذَا और जब قِيلَ कहा जाता है, لَهُمْ لَالِيَ هُمْ उनके उनके लिए या उनसे, इत्तबियू वावलिफ तुम सब इत्तबी इत्तबा करो पैरवी करो, मा जो अनजलल्लाहु, मा जो मा यानी जो अनजला नाजिल किया अल्लाहु अल्लाह ने, और जब कहा जाता है उनके लिए या उनसे तुम सब पैरवी करो जो, हाँ दिस वन इज द कमा इत्तबियू, द अलिफ इज विद कसरा बट इट इज नॉट रिटन बिकॉज इट इज हमजतुल वसल, तो हमजतुल वसल में क्या होता है उसका जो हरकत होती है वो गायब हो जाती है क्योंकि मिलाकर पढ़ना होता है। वो इज़ा क़ीला और जब कहा जाता है उनके लिए तुम सब इत्तबा करो तुम सब पैरवी करो जो नाजिल किया अल्लाह ने, क़ालू उन सब ने वो उन सब ने कहा या वो सब कहते हैं बल्कि नत्तबियु नून हम इत्तबी इत्तबा करेंगे हम तो इत्तबा करेंगे मा वजदना मा जिस पर वजदा पाया ना हमने अलैही उस पर आबाना हमारे बाप दादाओं को अवलव काना क्या व और लव चाहे और अगर चाहे काना हो अशैतानु शैतान यदउहुम या वो वावसा दा पुकारते हो हम नहीं सॉरी या वो दाऊ पुकारता हो हम उनको इला अजाब साईर भड़कते हुए अजाब की तरफ यानी कि वो जो शैतान है और ख्वा अवलव और चाहे क्या और चाहे क्या और अगर हो शैतान वो पुकारता दाऊ दुआ करना निदा करना पुकारना तुम उन सबको इला अजाब सही भड़कती हुई आग की भड़कते हुए अजाब की तरफ और जब कहा जाता है उनके लिए या उनसे तुम सब इत्तबा करो पैरवी करो जो नाजिल किया है अल्लाह ने तो वो सब कहते हैं बल्कि हम तो पैरवी करेंगे जो पाया हमने उस पर हमारे बाप दादाओं को और क्या और अगर हो शैतान वो पुकारता उन सबको भड़कते हुए यानी जहन्नम के आग के अजाब की तरफ ठीक है यानी अल्लाह सुबहान व तआला क्या दलील दे रहे हैं इन लोगों से जब कहा जाता है किताबे बरहक कुरान करीम पर क्या करो अमल करो उसकी पैरवी करो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया है उसको मानो तो ये क्या कहते हैं हम किसको मानेंगे जिस पर हम अपने बाप दादाओं को हमारी रस्मों को देखते हुए आ रहे हैं तो हमारे बाप दादा तो सदियों से करते चले आ रहे हैं हम कैसे ऑल ऑफ सडन अपने दीन को बदल दें तब्दील कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तुम रिपीट कर रहे हो You're repeating this. नहीं ये देख लो ना पहले ये आया तो हम लोग देख लेते हैं एक मरतबा ये समझ आया आप लोगों को ये अच्छा अवलव कान शैतानु यदउहुम इला अजाब सईर यहाँ से करूँ अभी करेंगे पहले ये एक्सप्लेन कर देते हैं ना
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आयत नंबर 20-21 में अल्लाह सुबहानहु ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह जब इनसे कहा जाता है काफिरों से कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब की पैरवी करो, तो वो क्या कहते हैं? बाप दादाओं की पैरवी करेंगे। लेकिन अल्लाह सुबहानहु ताला क्या फरमा रहा है कि उनके बाप दादाओं को शैतान ने क्या कर रखा है? गुमराह करके रखा है। और वो क्या है, चाहे उनके वो जो शैतान है वो क्या करते हैं, उनको किसकी तरफ बुला चुके हैं? अजाबे जहन्नम की तरफ, हाँ आग के अजाब की तरफ। यानी वो तो पहले ही ईंधन में झोंके जा चुके, अब तुम उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी क्यों पलीत कर रहे हो? तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने, चले हम एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं आयत नंबर 20। अलम तरो, क्या नहीं तुम सबने देखा कि अल्लाह उसने मसखर कर दिया तुम्हारे लिए जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और पूरा कर दिया तुम पर नियमतों को उसकी जाहिर और छुपी हुई, खुली और छुपी तमाम नियमतों को उसने मुकम्मल कर दिया। और लोगों में से जो वो झगड़ा करता है अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, और ना ही बगैर हिदायत, ना ही उसके पास हिदायत है और ना ही किताब मुनीर रोशन कोई दलील है उनके पास। आयत नंबर 21। व इजा कीला, और जब कहा जाता है उनके लिए या उनसे तुम सब इत्तबा करो जो नाजिल किया है अल्लाह ने, तो वो सब कहते हैं बल्कि हम तो पैरवी करेंगे जो पाया हमने उस पर हमारे बाप दादाओं को। क्या और अगर हो शैतान ने वो शैतान वो पुकारता हो उनको अजाबे सही जहन्नम के अजाब की तरफ। विनाश करो आप, मतलब भड़कती हूँ। हाँ चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 22। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुवा मुहसिनुन, और मन जो युस्लिमु वो सुपुर्द कर दे, रुख कर ले, वजहहु उसके चेहरे का, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, वहुवा और वो मुहसिनुन एहसान करने वाला हो, नेकी करने वाला हो, और जो झुका दे उसके चेहरे को अल्लाह की तरफ और वो मुहसिन होने को कार हो, फकत तो अलबत्ता तहकीक, बेशक इस्तमसका बिल्उरवतिल वुस्ता, इस्तमसका यानी मसका का मतलब होता है थाम लेना, पकड़ लेना, इस्तमसका उसने थाम लिया, बिल्उरवतिल वुस्ता एक मजबूत कड़े को, मजबूत सहारे को, और इला तरफ अल्लाही अल्लाह की आकिबतुल उमूर तमाम कामों के अंजाम है, तमाम कामों का जो रिजल्ट होता है वो अल्लाही की तरफ लौटता है। और जो क्या करे, युसल्लिम जो झुका दे या फरमा बरदार हो जाए, फरमा बरदार कर ले अपने चेहरे को अल्लाह की तरफ, और वो मोहसिन हो नेकोकार हो, तो बेशक उसने क्या किया, थाम लिया एक मजबूत कड़ा, मजबूत सहारे को, और अल्लाह ही की तरफ तमाम कामों के अंजाम है। यानी अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं, देखिये आमनु व अमिलु सालिहाते हम कितनी मरतबा पढ़ रहे होते हैं ना, वही है इन अनदर टर्मिनोलॉजीज, है ना, कि जिसने क्या कर लिया, अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया मतलब ईमान ले आया, और मुहसिन यानी नेकी करने वाला, तो आमनु अमिलु सालिहात, तो जो ईमान लाए नेक अमल करे, तो वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना बना लिया है, तो उसने क्या कर लिया, एक मजबूत कड़ा थाम लिया। एक शख्स है समंदर में डूब रहा है, डूबते डूबते उसके हाथ में कोई चीज आ गई और उसने उसको थाम लिया, उसके सहारे तैरेगा ना जब तक कि उसकी सांस है तब तक उस पर, अगर वो ही सहारा कमजोर होगा उसके समीर डूब जाएगा ना, उसके साथ साथ डूब जाएगा। तो लेकिन अल्लाह सुबहानहु ताला ने इसके बरक्स, यानी जो दुनिया की जिंदगी कमजोर सहारे, और ये मजबूत सहारा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी, ये सबसे मजबूत सहारा है ये कुरान करीम। तो अल्लाह को जिसने थाम लिया उसने क्या कर लिया, सबसे मजबूत सहारा थाम लिया, और तमाम कामों के अंजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाई, तुम अपने जो एफर्ट्स लगाना चाहते हो लगाओ, तुम जो काम करना चाहते हो करो, तुम्हारी नियतों में इखलास हो, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी के लिए कोई भी काम करो, उसके रिजल्ट की परवाह छोड़ दो, क्योंकि रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने स्कूल की पढ़ाई करके जाते हैं, वो कहते हैं, देखिए एग्जाम में भी होता है ना, कि हम तो पूरी बुक पढ़ के गए थे फिर भी फेल कैसे हो गए, क्योंकि रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, रिजल्ट का बंदे के हाथ में अल्लाह ने इख्तियार दिया ही नहीं है,
तमाम कामों के अंजाम अल्लाह की तरफ लौटते हैं। वो थे ना एक सहाबी थे, वो जस्ट क्या करते हैं, ईमान लेकर आते हैं और रसूल अल्लाह से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह क्या मैं अगर इस जंग में शरीक हो जाऊं तो मुझे शहादत मिलेगी? तो वो कहते हैं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो वो जैसे ही मतलब ईमान लाते ही क्या हो गए, एंटर हो गए उसके अंदर, जंग में शरीक हो गए। क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद आ रहा है उनका। तो वो जैसे ही ईमान लाए, वहां पर एंटर हुए जंग में, और वहीं पर क्या हो गई, उनकी शहादत हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अल्लाह सुबहाने तआला ने उनके गुमान के मुताबिक उनको क्या दिया, बेहतरीन अंजाम दिया। इंसान क्या करे, नियत में इखलास रखे, अपनी सारी एफर्ट्स लगाए, और क्या करे, अंजाम की फिक्र अल्लाह पर छोड़ दे। हम क्या करते हैं ना, काम करने के बाद रिजल्ट हम अपने जैसा चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वही आना चाहिए, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमा दिया नहीं, रिजल्ट की जो तवक्का है अल्लाह पर छोड़ दो, उसका जो अंजाम होना है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ दो, क्योंकि वो सारे काम अल्लाह ही की जानिब लौटते हैं। और सोचे वो कैसे सहाबी हैं, ना उन्होंने कभी नमाज पढ़ी, ना कभी कोई जकात दी, ना कभी, और कहाँ पहुंच गए, शहादत के मरतबे पर फायज हो गए अल्लाह से। हाँ, उन लोगों का भी यही मामला हुआ, फौरन से ईमान लाए, और मतलब सडे यहाँ पर ईमान ला रहे हैं, और वहां पर जन्नत में मतलब जन्नत में वो बनते, बरजक की भी जिंदगी नहीं। तो इतनी जबरदस्त क्या मतलब उनको अल्लाह सुबहान तआला ने शहादत दी। तो यहाँ पर बात क्या है कि इंसान अपने एफर्ट्स लगाते रहे, ये दाई के लिए बड़ा क्या है, बड़ा तसल्ली बख्श वो है जुमला, कि अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे आप अपना काम करते रहो। अब देख रहे हो, अरे मैं तो सदियों जमाने लग गए, एक भी ईमान नहीं लाता, एक भी उस पर करेक्ट मतलब सीधे रास्ते पर नहीं आता, अंजाम अल्लाह के हाथ में, तुम्हारा काम क्या है, तुम अपना काम। वो हम स्टोरी पढ़ते थे ना बचपन में, तीन लोग थे, एक का काम था बोना, एक का काम था पानी डालना, और एक का काम था, वो तीन थे ना, तीन आदमी थे, और उन लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया और कहा कि ना मैं खोदता जाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं बीज डालता जाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं पानी डालता जाऊंगा। अब वो जो थे ना जो दरमियान वाला था वो आया ही नहीं, ये जो थे ना वो खोदे जा रहे हैं, और ये जो है पानी डाले जा रहे हैं, और जो बीज बोने वाला है ना वो आया ही नहीं। तो लोग आते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है कि तुम पानी डालते जा रहे हो, और वो बीज जो बोना है वो बीज ही तो उगेगा ना, कि बगैर उसके मतलब खेती उग जाएगी। तो उन्होंने कहा वो उनका काम है, हमारा जो काम है हम वो करेंगे, हमें दूसरे से क्या गर्ज, हमको जो अल्लाह ने जो काम सौंपा गया है हमारे अथॉरिटी ने, हम तो वो करेंगे। तो सोचे कि ये इंसान अपने अपने कामों की अगर जिम्मेदारी ले लेना, हम क्या करते हैं, उसने नहीं किया ना तो मैं नहीं करूं, उसने नहीं किया, क्योंकि हमने अपने आप को क्या कर लिया, दूसरों पर इतना डिपेंडेंट कर लिया है कि हम दूसरे के मतलब पीछे, जैसे नहीं कोई वो कहते हैं ना, जैसे भेड़ वाला हाल हो गया हमारा, एक जाएगी ना और वो अगर वो 10 राउंड घूमती है ना एक जगह पर, तो वो पीछे जितनी भेड़ है ना 10 राउंड घूमती है। अगर वो एक भेड़ अगर पानी में गिर गई ना गलती से, वो सारे जाते हैं और गिरते जाते हैं, फिर निकल के बाहर जाते हैं, ये मामला है उनका। तो हमने ये भेड़ बकरियों वाली जिंदगी नहीं, अल्लाह सुबहानहू तआला ने फरमाया कि तुम क्या करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कल करो, अपने नियतों को इखलास दो, मतलब खुशनुदी अल्लाह की रजा हो, और फिर अंजाम क्या निकलता है वो अल्लाह पर छोड़ दो। वो जो अंजाम निकलेगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन निकालेगा, क्योंकि वो सारी मसलहतों का क्या है, बादशाह है। वो नहीं, हम नहीं जानते कि उसके रिजल्ट के अच्छे आने से हमें क्या नुकसान हो सकते थे, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही अगर मामला हो जाता तो हो सकता था वो हमारे लिए नुकसानदा हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया तमाम कामों के अंजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लौटते हैं, और तुमने बस क्या करना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, क्योंकि यही सबसे मजबूत सहारा है। जो इधर से उधर डगमगाया तो उसने क्या कर दिया, इस मजबूत सहारे को छोड़ दिया। वमन गफरा फला यहज़ुनका कुफ्रुह इलैना मरजिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाहा अलीमुन बिज़ाति सुदूर। वमन कफरा, व और मन जो कफरा जो कुफ्र करेगा, फला यहज़ुनका फिर ला नहीं या वो हुज्न गमगीन कर दे आपको, कुफ्रुहु उसका कुफ्र, फिर जो भी कुफ्र कर रहे हैं तो नहीं आपको गमगीन कर दे उनके कुफ्र, उसका कुफ्र, इलैना हमारी ही तरफ, इला तरफ ना हमारी, मर्जी उहुम
उन सबका लौटना है, उन सबका मर्जा हमारी जानिब है। फनुनब्बिउहुम, फिर नून हम नब्बी खबर दे देंगे हम उन सबको बीमा उसकी जो अमिलू उन सब ने अमल किए। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है, बिजात सुदूर सीनों के भेदों को, जो सीनों में छुपा है उसको खूब जानने वाला है। और जो कुफ्र करे तो नहीं गमगीन कर दे आपको, हुज्न यानी गमगीन, आपको गमगीन कर दे उनका कुफ्र, उसका कुफ्र हमारी तरफ उन सबका लौटना है। फिर हम खबर दे देंगे उनको उसकी जो उन सब ने अमल किए, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है सीनों के भेद, सीनों में छुपी हुई बातों को। यानी अल्लाह सुबहान व तआला क्या फरमा रहे हैं, देखें अगर हम इसको रिलेट करें नबी की दावत से कि आपका काम क्या है, आप दावत देने का काम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा गमगीन होते थे, इतना ज्यादा हलकान कर लेते थे अपने आप को कि रातों को खड़े होकर रोया करते थे। क्यों? कि लोग ईमान नहीं ला रहे थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या फरमाया, उनका जो अंतर्मन है आपको गमगीन ना कर दे, वो बिल आखिर क्या होने वाले हैं, हमारी तरफ लौट कर आने वाले हैं। तो जो अमल उन्होंने किए, जो कुफ्र किया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सारी चीजें क्या देगा, उनको खबर दे देगा। जो हमारी नियतें हैं उनसे वाकिफ है। नुमत्तिउहुम क़लीलन थुम्मा नज़्तुरुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़, आयत नंबर 24। नुमत्तिउ नून हम मति मताए जिंदगी देंगे, सामान्य जिंदगी देंगे हम उनको, क़लीलन थोड़ी थोड़ी इन द सेंस दुनिया की, थुम्मा फिर नज़्तुरुहुम नून हम दौरा का मतलब होता है मजबूर कर देना, फोर्सफुली किसी चीज को करना। नून हम हम मजबूर कर देंगे हम उनको, इला तरफ अजाबिन गलीस, बदतरीन अजाब की तरफ, सख्त अजाब की तरफ। वला इन हम सामान्य जिंदगी देंगे उनको थोड़ा, यानी कि जो दुनिया में उन्होंने किया उनको दुनिया में उसका बदला दे दिया जाएगा। दुनिया अल्लाह सुबहान तआला ने जब भी इस्तेमाल किया तो उसको कहा कलील। कलील क्यों? क्योंकि इसकी जो मुद्दत भी है थोड़ी है, और ये जो है फानी चीज, खत्म हो जाने वाली है, बाकी रहने वाली चीज नहीं है। तो हम दुनिया की जिंदगी का क्या दे देंगे उनको, मता दे देंगे थोड़े वक्त के लिए, फिर उनको क्या होगा, मजबूरन कहाँ जाना पड़ेगा, सख्त अजाब की तरफ, अजाब गलीज की तरफ, यानी तुम चाहो ना चाहो तुम्हें जाना पड़ेगा उस अजाब की तरफ। وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَئِن وَأَوْر آيَة نمبر 25 بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن وَأَوْر لَا أَلْبَتَّ إِن أَغَر أَوْر أَلْبَتَّ أَغَر سَأَلْتَهُمْ سَأَلَ سَوَال كَرَن تَا آپ ہم ان سے مَنْ خَلَقَ کس نے خَلَقَ تخلیق کیا پیدا کیا السَّمَاوَاتِ آسمانوں کو وَالْأَرْضَ اور زمین کو ला और नून मुशद्दद जरूर ब जरूर या वो कुलू कहेंगे अल्लाहु अल्लाह ने और अलबत्ता अगर आप सवाल करें ता यानी आप सवाल करें उनसे किसने पैदा किया आसमान और जमीन को जरूर ब जरूर वो कहेंगे अल्लाह ने कुल अल्हम्दुलिल्लाह आप फरमा दीजिए तो तमाम तारीफ और शुक्र भी अल्लाह ही के लिए है बल्कि अक्सरहुम उनमें से अक्सर ज्यादातर लोग उनमें से नहीं इल्म रखते नहीं जानते क्योंकि ये मुशरिक थे काफिर नहीं थे ये पूरी तरह मुशरिक थे शिर्क किया करते थे अल्लाह को भी मानते थे और साथ साथ दूसरे बुतों को भी मानते थे तो इनसे जब भी पूछा जाए कि तख्लीक करने वाला कौन है खालिक हकीकी कौन है तब तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह तो आप फरमा दीजिए फिर तमाम शुक्र भी अल्लाह ही के लिए होना चाहिए था है ना तुम जब अल्लाह तुम्हें कुछ दे देता है तो तुम शुक्रगुजारी किसकी कर रहे हो लात मनात उज्जा हुबल की तुम शुक्रगुजारी कर रहे हो तो तमाम तारीफ और शुक्र भी अल्लाह ही के लिए होना चाहिए जो कि खालिक हकीकी है बल अक्सरहुम ला यालमून बल्कि उनमें से अक्सर तो इस बात का इल्म ही नहीं रखते इसको जानते ही नहीं और यही चीज अगर हम हजरत लुकमान से रिलेट करें तो कोई नबी की दावत नहीं आई उनके पास और कोई मतलब उनके फितरत सलीम थी वो जिस फितरत पे पैदा हुए थे वो सलीम थी अकले सलीम ने उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचा दिया जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया तो यहाँ पर उसी की बात कही जा रही है कि जब खालिक हकीकी अल्लाह है तो किस तरह से तुम बदजन हो रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत है और तुम शुक्रगुजारी किसी और की करते फिरते हो
बल्कि तमाम शुक्र और मतलब हम्द किसकी होना चाहिए, अल्लाह की। तो हजरत लुकमान ने क्या कहा पहला वर्ड, अनिश्कुर लिल्लाह, ए मेरे बेटे क्या कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्र गुजारी कर। क्यों? क्योंकि उसने तुझे पैदा किया है, उसने तुझे सारी नेमतें दी हैं। तो हम इंसान जब इंसान के ऊपर कोई फेवर करता है तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो सारा कुछ देने वाला है हम उसकी शुक्रगुजारी ना करें। बल्कि आप फरमाएं तमाम तारीफ और शुक्र तो अल्लाह ही की है, बल्कि अक्सर लोग इल्म से ही बहरामंद नहीं है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ध इन्नल्लाहा हुवल गनीयुल हमीद, आयत नंबर 26। लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति वल अर्ध आसमान जो मा जो फी में असमावाती आसमानों में व और अल अर्दा अल अर्दी जमीन में, अल्लाह ही की मिल्कियत है ना, लामे मिल्कियत अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। बेशक अल्लाह इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह हुआ वो तो अल गनी बेनियाज है, किसी चीज का उसको एहतियाज नहीं। अल हमीद वो तमाम तारीफों के लायक है, यानी अल्लाह सब अल्लाह सुभान व तआला किसी भी मखलूक का मोहताज नहीं, ना तारीफ के लिए, ना किसी इबादत के लिए, ना शुक्र गुजारी के लिए। वो अपने आप में गनी है, उसे किसी का भी मोहताजी नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, और ना ही वो किसी की तारीफ के लिए क्या है कोशाए बैठा हुआ है कि लोग बंदे मेरी तारीफ करेंगे तो मेरी तारीफ होगी। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी आप में अपनी जात में क्या है, हमीद है महमूद है। और अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में है और जमीन में है, बेशक अल्लाह वो तो गनी है हमीद है बेनियाज है और तारीफ के लायक है। وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ। अभी सूरह कहफ में ये मामला हम पढ़ चुके हैं। और जिस चीज की अल्लाह सुभान व तआला जो जो अहम मजामीन होते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट मजमून होते हैं, उसको कम अज कम दो मरतबा कुरान में रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, वलव व और लव अगर, अन्ना के माँ जो फिल अर्दी जमीन में है, मिन शजरतिन शजर में से होते, यानी दरख्तों में से होते, और अगर ये के जो जमीन है जमीन में है सारे क्या हो जाते शजरों में से होते, यानी के वो शजर क्या बन जाते अकलामुन कलम में बन जाते पेन बन जाते, और अगर ये के जो जमीन में है, अब यहाँ पर के की जगह हम तर्जुमा बेशक का ले सकते हैं, और अगरचा बेशक जो जमीन में है शजर सारे क्या होते अकलाम होते यानी पेन बन जाते, वल बहरू व और अल बहरू समंदर, सियाही वाला मामला हम पहले पढ़ चुके, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तमाम बहर और बहर जो है समंदर सियाही बन जाते, या मुद्दू या वो मुद्दू बढ़ा देता हूँ उसको, मिन बाद ही उसके बाद से, सब अतु अब हुरिन सात समंदरों में, बहर का प्लूरल है अब, ठीक है, सात समंदरों में और मजीद बढ़ा दिया जाता उन सियाही को, वो जो उसके जो वो सियाही होगी उसको सात समंदरों को भी सियाही बना दिया जाता। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, मा नहीं नफिदत खत्म होंगे कलिमातुल्लाह अल्लाह के कलिमात अल्लाह की तारीफ। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अजीजुन जबरदस्त हकीमुन हिकमत वाला है। और अगर बेशक जो जमीन में है दरख्तों में से कलम बन जाए और समंदर सियाही बन जाए और बढ़ा दे उसको उसके बाद सात समंदरों में, नहीं खत्म होने वाले अल्लाह के कलिमात, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि सारे समंदर को अगर सियाही बना दिया जाए और वैसे ही और समंदर ले आए जाए तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो तारीफ है वो खत्म नहीं होने वाली। अब यहाँ पर फरमाया जा रहा है शजर का मतलब और एडिशन कर लिया गया कि अगर सारे दुनिया के दरख्तों को क्या बना दिया जाए कलम बना दिया जाए यानी उनको अकलाम बना दिया जाए, कलम की जमा है अकलाम, पेन बना दिया जाए और समंदरों को क्या बना दिया जाए स्याही बना दिया जाए इंक बना दिया जाए, पेन और इंक से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ लिखी जाए
और ऐसे ही सात समंदर और लाए जाएं स्याही बनाने के लिए, तब भी उसके कलिमात खत्म नहीं होंगे। अब देखिए कलिमात में ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ, उसकी हमद सना, और कलिमात में ये भी है कि सारी दुनिया और सारी तख्लीक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलिमाए कुन से बनी है। तो ये हम सब सब क्या है, अल्लाह का कलिमा है। हम सारे अगर हम इनको गिनने बैठ जाए क्या खत्म होंगे? देखिए ये तो एक छोटा सा, छोटी नहीं है ना, हम चारों तरफ देख रहे हैं जमीन छोटी दिखती है हमें, ये दुनिया छोटी दिखती है, नहीं, लेकिन फिर भी ये छोटी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे कई बड़े बड़े प्लैनेट्स बनाए, कई बड़े बड़े सितारे और सैारे बना दिए, और कई लाइट ईयर्स की तहकीक हो चुकी, लोग कितने नूरी साल तक मतलब ट्रैवल करके आ चुके बाहर की स्पेस में, अभी भी कोई ऐसा सिरा नहीं मिला कि कायनात खत्म हो गई, ऐसा नहीं दिखाई दिया कि बस यहाँ पर फिनिश हो गया, एंड हो गया, अभी तक कोई सिरा नहीं मिला है। तो सोचे वो कहाँ तक है, हद नजर के पार सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात है। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के कलिमात कभी खत्म होने वाले नहीं, चाहे तुम सात समंदरों को और कई समंदरों को और सारी दुनिया की जो शजर है उनको पेन बना दो, तब भी उसके कलिमात नहीं खत्म होंगे, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। रिपीट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 28। ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير। ما نہیں خلقكم تمہاری تخلیق تمہاری پیدائش ولا اور نہ ہی بعثكم تمہارا اٹھانا موت کے بعد اٹھنا نہ ہی تمہاری تخلیق اور نہ ہی تمہارا موت کے بعد اٹھنا الا سوائے ماں کی ماں یہاں پر نہیں میں اللہ کی وجہ سے ہوا کا جیسے کہ نفس واحدتن ایک جان کا پیدا کرنا یا اٹھانا ان اللہ بے شک اللہ سمیعن خوب سننے والا بصیرن دیکھنے والا ہے نہیں ہے تم سب کی تخلیق تم سب کا پیدا کرنا اور نہ ہی تم سب کا اٹھانا سوائے جیسے ایک جان کا بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی ہاں اللہ نے جس طرح سے ایک جان کو پیدا کیا اور اٹھا سکتا ہے ویسے پوری کائنات کو ایک ہی ہاں ایک ہی کن پر اٹھا اور مار سکتا ہے ان کو تخلیق کر سکتا ہے ان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے جتنا آسان ایک جان کو بنانا ہے اتنا ہی آسان پوری خلقت کا پیدا کر کے ان کو دوبارہ اٹھانا ہے کیونکہ اس کو کوئی پلاننگ نہیں کرنی ہے نا کوئی اس کو بیٹھ کر کوئی اس کے ارادے تو نہیں کرنے نا تو جسٹ کہنا ہے کن اور فیکون پھر فیکون ہو جاتا ہے ہو کر رہتا ہے وہ کام تو یہاں پر اللہ نے فرمایا جتنا آسان ایک جان کو پیدا کرنا ہے پوری تخلیق کو بھی پیدا کرنا اٹھانا اتنا ہی آسان ہے وہ خوب سننے والا جاننے والا دیکھنے والا ہے آیت نمبر 29 الم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير الم کیا نہیں پوری آیت ہم ریپیٹ کر چکے آلریڈی الم کیا نہیں تا تم را دیکھا کیا نہیں تم نے دیکھا ان اللہ کے اللہ یولج یا وہ ولج داخل کرتا ہے ہم جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم بسم اللہ ہی ولجنا ولج از واٹ ٹو انٹر داخل ہونا دخلا ولج دونوں کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں فی میں انہاری دن میں و اور یا وہ ولج داخل کرتا ہے انہارا دن کو فی اللیلی رات میں وسخرا و اور سخرا اس نے مسخر کر دیا ہے تابع کر دیا ہے الشمس سن کو سورج کو والقمر اور چاند کو کل ہر ایک یجری وہ سب جاری ہیں وہ سب تیر رہے ہیں الى اجل مسمن ایک مقررہ مدت تک یعنی کہ جو فکس ٹائم ہے سب کا ایک اجل ہے سب کا ایک مقررہ وقت ہے وہ تب تک چلتے رہیں گے وہ جاری رہیں گے وَأَنَّ اللَّهَ وَأَوْر أَنَّا كَيْ اللَّهَ اللَّهَ بِمَا اس سے جو بی سے ما جو اس سے جو تعملونا تا تم واونو سب عملہ عمل کرتے ہو خبیر اس سے باخبر ہے کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور مسخر کرتا ہے یعنی کہ اس نے مسخر کر رکھا ہے تابع کر رکھا ہے سورج اور چاند کو ہر ایک جاری ہیں تیر رہے ہیں یعنی وہ اپنے اپنے مطلب ہاں ایک مقررہ مدت تک اور یہ کہ اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر ہے یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ
अल्लाह ने किस तरह से दिन को रात में दाखिल कर दिया, रात को दिन में दाखिल कर दिया। क्या तुम इस चीज का मुशाहिदा नहीं करते? क्या कभी इस चीज पर गौर व फिक्र नहीं करते कि कभी 12 घंटे के दिन और रात यकसा नहीं होते? कभी दिन रात में आ जाती है, कभी रात दिन में आता है। सर्दियों में रातें तवील हो जाती है ना, जैसे कोई एनक्रोचर है वो उसके अंदर दाखिल हो रहा है, तो वैसे ही क्या कर रही है, रात और दिन एक दूसरे में दाखिल होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला की तखलीक पे गौर करो कि जिस तरह से अल्लाह ने रात और दिन को एक दूसरे में दाखिल कर दिया, दिन आता है रात आती है। एक तो ये भी होता है कि जैसे कि इख्तिलाफ लैली व नहारी, वो तो हम पहले पढ़ चुके, यहाँ पर यू ले जा रहा है। इख्तिलाफ किसको कहा जाता है? कहा जाता है ए, हाँ, ऑल्टरनेशन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक दाना ले लेते हैं, तस्बी ले, एक चेन ले लेते हैं और उसके अंदर मोती पिरो देते हैं, सफेद काला सफेद काला, तो कैसे एक दूसरे के बाद फिरते आ रहे हैं ना, अगर हम पढ़ रहे हैं उसको और उसमें बीच में कोई रुकावट नहीं हो, तो किस तरह से वो एक के बाद एक आ रहे हैं, वैसे दिन और रात एक दूसरे के पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दाखिल करने का मतलब ये है कि मौसम मौसमों की मुनासिबत से दिन और रात की तवालत या फिर उसकी कमी को अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर मेंशन किया है कि जब दिन होता है, जब सर्दियों का मौसम होता है तो रातें क्या होती है, दिन में दाखिल हो जाती है और रातें तवील हो जाती है, और गर्मियों का मौसम होता है तो दिन क्या होता है, रात में दाखिल हो जाते हैं और दिनों को तवील कर दिया जाता है। तो ये रब्बुल इज्जत का क्या है, निजामे कायनात है। जरा इस पर गौरव, तरह का मतलब होता है देखो, नहीं गौर करो, यानी अपनी अकल की आंखों से देखो। क्या हम दिन रात को बस देखते रहे बैठ के? नहीं, इस पर अपनी अकल की आंखों से गौर करो कि किस तरह से उसने सूरज और चांद को मसखर कर रखा है। वो जब कहता है कि ज्यादा देर तुलू होना है तो ज्यादा देर रहेगा, अगर वो कहता है कि जल्दी से कमर को तुलू होना है तो जल्दी से हो जाएगा। तो ये सारे कैसे हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और हर एक को मुकर्ररा मुद्दत तक किसी निजामे कायनात पर, ये फिजिक्स के रूल पर चलते रहना है, क्योंकि जब कयामत आएगी तो ये मामला नहीं होगा, सारा कुछ दरहम बरहम हो जाएगा और अल्लाह हर अमल से क्या है तुम्हारे बाखबर है। क्योंकि वो इतना बड़ा निजामे कायनात चला रहा है, तो वो तुम्हारे इतने छोटे छोटे से ये जो इंसान है उनका उनके अमल से बाखबर नहीं होगा। जो इतनी पूरी कायनात के दिन और रात सारे निजाम से बाखबर है, तो वो तुम्हारे अमलों से भी बाखबर है। आयत नंबर 30, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ। समीउन बसीर का सबको तर्जुमा बताया ना? हाँ, समी यानी सीन, मीन आई, समाज से है, बसौरा यानी आंखों से है, सुनने वाला देखने वाला। ذَلِكَ ये भी أَنَّ اللَّهَ इसलिए के अल्लाह वल्हक वही हक है, वही सच है। हम कहते हैं ना, वो पंजाबी लोग कहते हैं सच्चा बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और ये के अल्लाह वही हक है। वह अन्ना, और ये के मा यद ऊना, जो माया मा यानी जो, या वो वावनु सब दा, वो सब पुकारते हैं, मिन दूनी ही, मिन से दूनी, सिवा ही, उसके उसके सिवा, उसके अलावा, अलबातिलु, वो बातिल है, सब झूठा है, फरेब है, दजल है। वह अन्ना अल्लाह, वह और अन्ना ये के अल्लाह, अल्लाह हुआ वही, अल अली बुलंद बाला है, अल कबीर बहुत बड़ा है। और ये इसलिए कि अल्लाह वही हक है, और ये कि जो वो सब पुकारते हैं उसके अलावा वो सब बातिल है, और ये कि अल्लाह वही बुलंद बाला और बड़ा है। यानी अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा वो हक है, और जो दिखाई दे रहा है वही बातिल है। दुनिया का घर धोखे का घर है, मताउल गुरूर है। रूमी फरमाते हैं ना कि जो तुम्हारी आंखों के सामने है ना, उससे आंखें बंद कर लो तो असल दुनिया तुम्हें नजर आए। यानी ये सारा कुछ क्या है, ये सारा, हाँ, जैसे कि एक सराब होता है ना, दिखाई दे रहा होता है ना दूर से कि पानी है, लेकिन क्या होता है, नहीं होता वो। ये बिल्कुल वही मामला है दुनिया का, बिल्कुल सराब की तरह है कि दिखाई, बातिल कहा है उसी को जाता है जो दिखाई दे रहा है लेकिन होता नहीं है, तो उसको कहा जाता है झूठी चीज है, धोखा है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह हक है हालांकि वो दिखाई नहीं देता। बातिल ये जो इसके अलावा जिनको पुकार है, जिनको देख रहे हैं, वो क्या है, सारे झूठे हैं, और अल्लाह बुलंद व बाला है इन तमाम चीजों से और बहुत बड़ा है। आयत नंबर 31, अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि लियुरीयकुम मिन आयाति इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर।
क्या लम नहीं ता तुम रा देखा, क्या नहीं तुमने देखा, क्या नहीं तुमने गौर व फिक्र किया अन्ना के, अल फुल का कश्ती तजरी ता वो, फुल का फेमिनिन है तो ता का तर्जुमा वो होगा, वो जारी है फिल बहरी, वो बहती है फिल बहरी समंदर में, बिन्यामतिल्लाही अल्लाह की नेमत के साथ, लियुरीयकुम ली ताके या वो री दिखाए। अब देखें या के ऊपर पेश है और आ के नीचे जेर है, सॉरी ये दिस इज वो दिखा, दिस इज द क्योंकि ये जो है पैसिव होता अगर ये जबर होता, ली ताके या वो री दिखाए कुम तुमको, बिन्यामतिल्लाही अल्लाह की नेमत के साथ, लियुरीयकुम ताके वो दिखाए कुम तुमको, मिन आयाती अपनी निशानियों में से, उसकी आयतों में से, इन्ना बेशक फी जालिका इसमें, जालिका ये उस में, फी में उसमें, ला आयतिन ला आयातिन ला अलबत्ता आयातिन निशानियां है, लिकुल्लिन हर एक, सब्बारिन हर एक के लिए, हर एक कौन, सब्बार जो बहुत सब्र करने वाला है, शकूर जो बहुत शुक्र करने वाला है, क्या नहीं तुमने गौर किया, तुमने देखा के कश्ती वो जारी है समंदर में अल्लाह की नेमतों के साथ, ताकि वो तुमको दिखाए अपनी निशानियों में से, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं हर एक सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए, बहुत सब्र करने वाला बहुत शुक्र करने वाला है तो उसके लिए क्या है, इसके अंदर भी बहुत सी निशानियां हैं। जरा गौर करें कि अल्लाह सुबहाने तआला ने कितना बड़ा वो लोहे का जहाज जो होता है, और अल्लाह सुबहाने तआला को कश्तियों को कैसे समंदरों में तैरा देते हैं, हम एक मामूली सी सुई नहीं उसको तैरा सकते, लेकिन अल्लाह ने कश्तियां इतनी बड़ी बड़ी कश्तियों को क्या कर दिया, समंदरों में तैरा दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि जरा कश्ती में गौर करो, और ये जो साख्त है और ये जो शेप है और इसकी जो हैयत है कश्ती की और किस तरह से चलेगी, सारा कुछ सिखाया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह अलैहि सलाम, है ना, पूरा उसका गाइडेंस दिया, पूरी गाइडलाइंस दी कि भाई इस तरह से उसका शेप होना चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, समंदर में तैर जाए। अगर वो किसी और शेप की होती या किसी और साख्त की होती तो डेफिनेटली वो नहीं चल सकती थी, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता करदा इल्म था, जिसकी वजह से वो नेमतें लेकर अल्लाह की समंदरों में चलती है। सिर्फ खाली कश्तियां नहीं चलती है, हम क्या कोई चीज को तैराना चाहते हैं तो उसको हल्का करते हैं, हल्का करते हैं, हल्का करते हैं ना, लेकिन कश्तियां कितना कितना टन्स ऑफ टन्स वजन लेकर क्या करती हैं, जारी होती हैं समंदर में। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको दिखाना चाहता है कि उसमें अल्लाह की कितनी बड़ी क्या है, निशानियां हैं, यानी कि गौर व फिक्र करने की चीजें हैं। वइज़ाग़शियहुम मौजुन, आयत नंबर 32, वइज़ाग़शियहुम मौजुन, व और इज़ा जब ग़शिया छा जाती है, हम उन पर मौजुन कोई मौज कोई वेव कोई लहर, بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 32 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ختار كفور ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा और इज़ा जब गशियाहुम गशी छा जाती है हम उन पर मौजुन एक मौज कोई लहर का जुललिन का जैसे जुललिन साहिबान की तरह ऊपर के दाऊ वो सब पुकारते हैं वाह वो सब दा पुकारते हैं अल्लाह अल्लाह को मुखलिसीना खालिस करके लहुद्दीना उसके लिए अपने दीन को
अपने तौर तरीके सब उसके लिए खालिस कर लेते हैं। फलम्मा फा, फिर लम्मा, जब नज्जा हम, नज्जा हम निजात देते, नून हम जा नहीं, नज्जा निजात देते, वो निजात देता है हम उनको, नून ही इसी का पार्ट है। फलम्मा फा, फिर लम्मा, जब नज्जा वो निजात देता है हम उनको, इलल बर्री, बर की तरफ, खुशकी की तरफ, फ मिन हम, फिर मिन से हम उन, फिर उनमें से मुक्तसिदुन, सीधी राह पर कायम रहने वाले हैं, तो उनमें से कुछ ही सीधी राह पर कायम रहते हैं। फलम्मा, फिर जब नज्जा हूँ वो निजात देता है हूँ उनको, इलल बर्री, बर की तरफ, खुशकी की तरफ, फमिन हूँ, तो उनमें से कुछ क्या है, सीधी राह पर कायम रहते हैं। फमा यानी दरमियानी राह पर, ना मुक्तसिद कहा जाता है दरमियानी। वमा यजहदू भी आयातिना, व और इल्ला की वजह से, माँ नहीं में जाएगा, व और माँ नहीं, यजहदू या वो जहादा झगड़ा करता है, जहाद यानी मुजाहिदा, झगड़ा करना, और नहीं वो झगड़ा करता भी आयाती ना हमारी आयतों के साथ, भी साथ आयात आयतों ना हमारी हमारी आयतों के साथ, इल्ला सिवाय कुल्लुन हर एक खत्तारिन, खत्तारिन बहुत, असल में यहाँ पर अहद शिकन लिखा हुआ है, खत्तार कहा जाता है गद्दार, कफूर नाशुक्रा यानी इंतहाई नाशुक्रा, खत्तार कहा जाता है गद्दार, ठीक है, असल इसका तर्जुमा है, इसमें लिख दिया है अहद शिकन, वादे को तोड़ने वाला। चले लिख लें दोनों ही तर्जुमा। और जब छा जाती है उन पर मौज, कोई मौज जैसे कि कोई साहिबान, तो वो पुकारते हैं अल्लाह को खालिस करके उसके लिए दीन को, फिर जब वो निजात देता दे देता है उनको, यानी वो जो कश्ती में सवार है उनको, खुशकी की तरफ, तो उनमें से कुछ दरमियानी राह इख्तियार करते हैं, और नहीं झगड़े करते हमारी आयतों के साथ, सिवाय हर एक जो कौन है, गद्दार है और नाशुक्रा है, यानी अल्लाह सुबहान तआला, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुबहान तआला जब तक उनको कश्तियों में रखते हैं तो उनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं याद आता, क्यों, क्योंकि चारों तरफ मौत दिखाई दे रही होती है ना, तो अगर यहाँ नाफरमानी हुई तो समंदर में कभी भी डुबा देंगे, है ना। वो जोक नहीं सुना था कि वो बोलता है कि कश्ती में वो आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो वो बोलता है कि अल्लाह मुझे पहुंचा दे किनारे पर, तो तेरे नाम के वो करूंगा, कुर्बानी करूंगा, तो हाँ कुर्बानी करूंगा, तो ऐसा होता है कि वो पहुंच जाता है, पार लग जाती है कश्ती। अब ये होता है कि ना, बोलता है कि ना, अब इतना महंगा सौदा मैंने कर लिया, अब कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो बोलता है कि जू मार दू अल्लाह फिर से एक मौज आती है, तो मौज आती है, फिर से अंदर चला जाता है, तो बोलता है अल्लाह मैं तो ऐसे जबान से सोच रहा था, मैंने बोला नहीं मतलब ये ऐसा जोक था, जोक सा पार्ट। यहाँ पर हम आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमाते हैं, जब तक समंदरों के अंदर रहते हैं तो अपने दीन को क्या कर देते हैं, खालिस कर लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, सिर्फ अल्लाह याद आता है, और जब अल्लाह निजात देकर उनको समंदर से खुशकी की तरफ ले आता है, तो सारे क्या करने लगते हैं, शिर्क करना शुरू कर देते हैं, सिवाय कुछ लोगों के जो सीधी राह पर रहते हैं, दरमियानी राह पर रहते हैं, लेकिन हमारी आयतों के साथ कौन मुजाहिदा करते हैं, हर एक गद्दार और नाशुक्रा, यानी अल्लाह सुबहान तआला ने इतनी बड़ी निशानी दी कि तुमको समंदर से सही सलामत वापस ले आया, अब क्या कर रहे हो तुम, अल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे हो, ऐसा है ना, वो कहते हैं ना, नमक जिसका खाया उसके साथ क्या कर दिया, नमक नमक खुआरी ने नहीं की, तो यहाँ पर नमक हरामी कर दी, तो अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं, गद्दार हैं वो लोग जो क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के निजात देने के बाद किसी और को क्या देने लगते हैं, क्रेडिट्स देना शुरू कर देते हैं, और वो ऐसे लोग कैसे, कफूर, बड़े ही सख्त नाशुकरे हैं। आयत नंबर 33, या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्जी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्ना वअदल्लाहि हक्कुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला युगर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। या अय्युहन्नासु, या अय्युहा, ए अन्नासु लोगो, कॉमन जनरल खिताब है लोगों से, या अय्युहन्नास जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 33, या अय्युहन्नासु तक्कू, या अय्युहा ए अन्नासु लोगो, इत्तकू, तुम सब डरो,
रब्बुकुम रब्बा, रब तुम तुम्हारे, तुम्हारे रब से अपने रब से, वख्शौ वा और इख्शौ तुम सब खशियत इख्तियार करो, यौमन डरो, यौमन उस दिन से, ला यजजी ला नहीं या वो, जजी जजा देगा बदला देगा काम आएगा, वालिदुन कोई बाप, अन वालिदही अपने बेटे को, हुई ही उसके वलदिन बेटे, अन को अपने बेटे को कोई वालिद काम नहीं आएगा, ना बाप किसी बेटे को काम आएगा, वला मौलूदुन वा और ला नहीं मौलूदुन कोई बेटा हुआ वो, जाजिन काम आने वाला है, अन वालिद ही अपने वालिद को, शई अन कुछ भी नहीं फायदा देगा जजा देगा कोई वालिद अपने बेटे को, और ना ही कोई बेटा वो काम आने वाला है अपने वालिद को, शई अन कुछ भी, इन्ना वादल्लाहि हक्कुन इन्ना बेशक वादल्लाहि अल्लाह का वादा हक्कुन सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुम फा फिर ला नहीं तब ता तुम गुर्रा धोखे में डाल दे, कुम तुमको तगुर्रा तुमको धोखे में डाल दे, अल हयात दुनिया दुनियावी जिंदगी दुनिया की जिंदगी, बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है तो नहीं धोखे में डाल दे तुमको दुनिया की जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम और ला नहीं या गुर्रन्ना या वो गुर्रन वो धोखे में डाल दे कुम तुमको, बिल्लाही अल्लाह के मामले में, अल गरूर बड़े धोखे में, बड़ा अल गरूर बड़ा धोखेबाज, यानी शैतान की बात हो रही है यहाँ पर, वला या गुर्रन्ना कुम बिल्लाही अल गरूर और नहीं धोखे में डाल दे तुमको अल्लाह के बारे में, अलगरूर धोखा देने वाला धोखेबाज, यानी अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमाने के उस दिन से डरते रहो, अल्लाह पहले तो अपने रब से खौफ रखो, रब का तकवा इख्तियार करो, तुम्हें ये एहसास है यानी ये सेंस होना चाहिए कि मेरे हर मुआमलात का निगरान अल्लाह रब्बुल इज्जत है, ढके हो खुले हो जलवत हो खलवत हो सब में अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है, ये जो तकवा है इंसान को, ये जो सेंस ऑफ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये हमने पढ़ा कल ईसान का मामला, ईसान क्या है कि हम ये देखें कि अल्लाह हमें देख रहा है, और उससे बुलंद एहसान क्या है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख रहे हैं, अगर ये सेंस हमारे अंदर आ जाएगा तो हम बहुत सारे गुनाहों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि अपने रब से डरते रहो और उस दिन से भी डरो, उस दिन से किस दिन से कि आज तो इंसान अपने औलाद के लिए हर किस्म के क्या करता है, एफर्ट्स उठाने के लिए तैयार हो जाता है, और बच्चे भी आज के दौर की खैर हैं अभी भी अच्छे बच्चे हैं, तो औलाद भी क्या करती है अपने वालिदैन का कहीं ना कहीं उसको एहसास तो होता है, लेकिन वो दिन ऐसा होगा कोई किसी का नहीं होगा, हर कोई एक दूसरे से क्या होगा दूर भाग रहा होगा, बल्कि कुछ भी काम ना आएगा एक दूसरे, ये सारे रिश्ते क्या हो जाएंगे, ना किसी का कोई नसब काम आएगा, ना किसी के कोई रिश्तेदारियां काम आएगी, ना माल काम आएगा, ना ये मतलब लोगों की सिफारिशें काम आएंगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच्चा वादा यानी कि उस कयामत का वादा कर रखा है, तो ये दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में ना डाल दे, ये बातिल है, ये गुरूर है, मताउल गुरूर धोखे का सामान है, और अल्लाह के मामले में वो तुमको धोखेबाज धोखे में ना डाल दे। देखिए अल्लाह के मामले में किस तरह से धोखे में डालता है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई अमल करने की जरूरत नहीं है, He will forgive us. वो हम लोगों को रहमत से क्या कर देगा, दाखिल कर देगा जन्नत में। जब अंबिया अलैहिस्सलाम को कोई नमाज माफ नहीं थी, जब अंबिया अलैहिस्सलाम के इतने टेस्ट हुए, तो हम फिर कौन से खेत की मूली है कि हमारे लिए सारा कुछ माफ हो जाएगा। तो धोखे में ना डाल दे तुमको अल्लाह के बारे में वो धोखेबाज, तो वो क्या करता है रहमान रहीम, अल्लाह की जो सिफात है उससे धोखे में डालता है, और इंसान क्या करता है, और वैसे ही कोई बड़ा गुनाह नहीं है, तौबा करने की क्या जरूरत है, कोई पूरी दुनिया तो कर रही है कि तुमने कर लिया तो कोई गलत बात है, सब तो कर रहे हैं, सब तो सॉन्ग सुनते हैं, हम तुमने 5 मिनट सुन लिया तो कौन सी बड़ी बात है, अरे सब सुनते हैं, सबको नहीं देखना है, अपने रब को देखना है, जहाँ सबको देखा वहां रब से गफलत हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि वो धोखेबाज तुमको धोखे में डाल के रहेगा अल्लाह के मुताबिक, और अल्लाह के मुतालिक अगर तुम धोखे में आ गए तो ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें क्या कर देगी, जकड़ लेगी, और इसमें अगर जकड़ गए तो फिर यहाँ तक पहुंचना आखिरत तक पहुंचना यानी वहां पर फला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आयत नंबर 34 इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्सा वयुनज्जिलुल गैसा
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है. अहदीस में भी आती है यही हदीस, इन्ना बेशक इन्ना उधर जाए इधर जाए. अल्हम्दुलिल्लाह चले आयत नंबर 34. इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह इंदहु उसके पास इंदा पास हु उसके इल्म सा साआत का इल्म है यानी के आखिरत का इल्म है. वह युनज़िलु लगाइसा वा और या वो नज़िल नाज़िल करता है अलगाइस वो जो नाज़िल करता है गाइस बारिश बारिश का नाज़िल करने का इल्म अल्लाह के पास है. वह यालमु वा और या वो ऐन लामिम इल्म रखता है माँ जो फिल अरहामी जो रहमों में है यानी के जो औरतों के बतन में है वो उसका इल्म रखता है. वमा तदरी वा और माँ नहीं तदरी तदरी या ता वो नफ्सुन क्योंकि फीमेल है ता का तर्जुमा हो जाएगा वो इदराक रखती है समझ सकती नफ्सुन कोई जान माजा तक सबू गदन माजा क्या कुछ तक सबू ता वो कसबा कमाने वाली गदन कल अगले दिन आने वाले दिन. टुमोरो को गदन कहा जाता है अम्स कहा जाता है यस्टरडे को है ना हम लोग पढ़ चुके हैं तो गदन आने वाले कल. वमा तदरी वा और माँ नहीं तदरी ता वो इदरी अदरी इदराक रखती है समझ सकती जानती है नफ्सुन कोई जान भी अय्यी अर्दिन कौन सी जमीन में तमूतू ता वो मूतू मौत पाएगी यानी मरने वाली है. इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है खबीरुन बड़ा बाखबर है. बेशक अल्लाह उसी के पास है इल्म साआत का उस घड़ी का इल्म और वो जो नाजिल करता है बारिश और वो जानता है जो रहमों में है और नहीं कोई नहीं जानती नहीं इदराक कर सकती नहीं फहम कर सकती कोई जान उस क्या कुछ वो कमाने वाली है कल के दिन आने वाले कल के दिन और नहीं समझ सकती जान सकती कोई जान कौन सी जमीन पे वो मरने वाली है. बेशक अल्लाह खूब जानता है बड़ा बाखबर है. अब यहाँ पर जो चीज है यहाँ पर देखे इस लफ्ज पर गौर करें यहाँ पर अल्लाह ने कयामा नहीं कहा साआ कहा. साआ और कयामा में बहुत फर्क है. हम लोग जनरली ऐसे कयामत और साआत कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर अब चूंकि इल्म की बात आ रही है तो ये जिस जिसको अल्लाह सुबहानहू तआला ने स्पेसिफिकली कहा है कि इसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है. साआत का मतलब होता है वो घड़ी जिसके अंदर दुनिया में तबाहियां फैलेंगी जो पहला सूर फूका जाएगा और सारी चीजें ना ये जो अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी शम सूरज और ये सारा ये निजाम पूरा दरहम बरहम हो जाएगा. कयामत कहा जाता है उस दिन को जिस दिन लोग कयाम करेंगे खड़े हो जाएंगे. कयाम का मतलब है द सेकेंड सूर द सेकेंड ट्रम्पेट. तो वहां पर क्या होगा इंसान खड़ा हो जाएगा और अल्लाह के सामने हमने हिसाब किताब देना. तो सा पहली मर्तबा जो लोग पूरी दुनिया को शेक कर दिया जाएगा हिलाकर फना कर दिया जाएगा और जो कयामत है उसमें लोगों को खड़ा करके उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा. तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि उस घड़ी का सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है कि वो कब आनी है. उसी तरह कि क्या वो नाजिल करता है बारिश कब नाजिल होनी है कैसे नाजिल होनी है कितनी नाजिल होनी है ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इल्म है और वो जानता है कि माँ के बतनों में क्या है औरतों के रहम में क्या है और कोई जान ये नहीं जान सकती कि आने वाले कल को वो क्या कमाने वाला है. अब ये जो नजूमियों से करवाते हैं ये जोडियक साइन देखते हैं वो पेपर में अरे कुछ नहीं पढ़ के तो देखते हैं कैंसर का क्या होता है और उसका जो वर्टिगो इसका क्या होता है ये सारे हम लोग पढ़ते रहते हैं ना. पढ़ते क्यों हैं जब हम पढ़ने लगेंगे ना तो फिर वो चीज हमारे जहन में आती है अरे हाँ आज हुआ था ऐसा ही मेरे साथ. तो यकीन पुख्ता कर देता है फिर वो हमारा उसकी तरफ. तो कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए इस चीज को हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही इस चीज की तरफ ध्यान देंगे कि भाई वो कल कल तुम्हारे साथ क्या होने है. वो जो हाथ पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं नाक पढ़ रहे हैं मुंह पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई पढ़ने वाला नहीं बता सकता कि कल क्या होना है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्लियर वर्ड में कह दिया. यहाँ तो फिर भी एक एक्सेप्शन लिया जा सकता है जिस तरह से लिया गया है लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कोई जान जान ही नहीं सकती कल को क्या होना है. कोई फरिश्ता भी नहीं जान सकता. हम समझते हैं कोई जिन जो होते हैं वो बता देते होंगे कोई शयातीन बता देते होंगे
असल में वो जो होता है ना, जो लोग हाथ पढ़वाते हैं या कोई बाबा को या कोई ऐसे होते हैं जो बताते हैं भाई तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था कभी पास्ट में, तो हम कहते हैं अरे क्या सही बताया, उस टाइम पे तो मैं अकेली थी, तो कैसे पता चल गया इन बाबा को? बाबा तो खूब भविष्यवाणी करने वाले हैं, खूब अच्छे नजूमी हैं, तो वो बाबा आपके करीन से पूछते हैं, जो आपके ऊपर शैतान होता है उससे नॉलेज निकालते हैं, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा चिमटा हुआ है, उससे पूछते हैं कि तुमने वो टाइम पर क्या किया था, वो बता देता है, और हम सोचते हैं कि बाबा ने तो बड़ा सही इल्म बताया। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को भी फ्यूचर नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ने क्लियर अल्फाज में कह दिया कि कोई आगे की बात बता नहीं सकता, तुमको ये मिलने वाला है, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, तुम ये कर लोगे, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। इन तमाम चीजों पर यकीन नहीं करना, और फरमाया कि किसी जान को नहीं पता कि वो कहाँ पहुंचेगी। देखिए कितने कितने कैसे कैसे लोग होते हैं, वो निकले होते हैं सफर से और ट्रेन में उनका इंतकाल हो जाता है, एरोप्लेन में इंतकाल हो जाता है, लोग कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। यानी अल्लाह ने फरमाया कि किसी को भी नहीं पता किस जमीन में उसको तदफीन किया जाएगा, किस जमीन पर उसकी मौत होगी। इस सारी चीजों का आलिम और खबीर अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अच्छा यहाँ पर देखें, अब लोग इसके ऊपर वो निकालते हैं कि अब जो ये जो है मौसम विभाग जिसको हम कहते हैं, और फिर ये जो हम कहते हैं सोनोग्राफी से तो पता चल जाता है कि मेल है फीमेल है, सब कुछ पता चल जाता है। नहीं, सब पता चलता है, पता चलता है, लेकिन देखें अल्लाह सुबहाने तआला ने यहाँ पर नहीं कहा कि यकीनन, यहाँ पर तीन बातों में यकीन दिला दिया गया। अल्लाह को पता है कि लोग आखिरकार कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस और कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकालेंगे। नहीं यहाँ पर नहीं, हाँ, नहीं, अगर हम उसको श्योर भी लेकर चलते हैं, ठीक है, अभी हम दोनों चीजों के तौर से बताते हैं। यहाँ पर अल्लाह ने इन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया, यहाँ पर कहा वमा तदरी नफसुन, कोई जान का इस्तेमाल किया, यहाँ पर इस्तेमाल किया वमा तदरी नफसुन, कोई जान जान ही नहीं सकती, बेशक अल्लाह ही के पास इल्म, बात को खत्म भी कर दिया। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस में ना कोई एम्फेसिस है, गौर कर रहे हैं आप, यहाँ पर ना कोई एम्फेसिस है, ना कोई ताकीद है, और ना ही कोई, और बात भी मुकम्मल हो रही है, तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन खड़े होंगे, अल्लाह को पता था, अल्लाह ने कोई एम्फेसिस नहीं यूज किया। लोग कल को कहेंगे कि लोग तो बता देते हैं सोनोग्राफी से पता चल जाता है मेल है कि फीमेल है, और 80% सही होता है, तो इसका मतलब तो लोग जानते हैं। यहाँ पर जिस चीज की बात की जा रही है कि चलो आधी अगर बात तुम्हें पता चल भी गई है कि वो क्या मेल है या फीमेल है, क्या तुम बता सकते हो कि वो शकी होगा, सही होगा, कौन से दीन पर चलेगा, वो जब पैदा होगा वो सही सलामत रहेगा, कितने दिन जिएगा, तुम कुछ आगे का नहीं बताते। उसी तरह का मामला है बारिशों का, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि उनके तुक्के सही भी लग जाते हैं कि हाँ भाई बारिश होने वाली है, कितनी मिकदार में होगी, कैसे होगी, खेतियों को तबाह कर देगी या उनको उनके लिए बहाली का सबब बनेगी, ये कोई नहीं जानता। तो अल्लाह सुबहाना तआला ने जो एक्सेप्शन थे उसके लिए यहाँ पर एक्सेप्शन रखा, ये हमारे रब की शान है कि जरा गौर करें। थोड़ा सा ग्रामर अगर हम लोगों को पता हो ना, तो इस तमाम चीजों को अगर कंपेयर किया जाए तो अल्लाह ने कोई यहाँ पर बात छोड़ी नहीं है कि कल को कोई हुज्जत कायम कर दे कि हम तो सब कुछ जान गए भाई पैदा होने वाले के बारे में कि वो लड़की थी या लड़का, और यहाँ पर अल्लाह ने कैसे कह दिया कि सिर्फ अल्लाह जानता है, नहीं कहा, अल्लाह ने यहाँ पर एक्सेप्शन में रखा, उसको इस्तेसना पर रखा कि यहाँ पर लोग उठेंगे कुछ ना कुछ बात निकाले, क्योंकि लोगों को जिनको कमियां निकालनी है ना तो वो ऐसे ही कुछ ना कुछ कमियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ग्रामर पढ़ रहे हैं कुरान का, बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो ग्रामर पढ़ते हैं ना उनको कुरान से ही ग्रामर पढ़ाया जाता है, और फिर जब वो जो होते हैं जितनी भी आप यूनिवर्सिटी में देख लें जहां अरेबिक पढ़ने वाले नॉन मुस्लिम्स होंगे उनको ग्रामर यहाँ से अखज करके दिया जाता है, कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर 0.0.0.000 भी कोई कमी हो, हर ग्रामर यहाँ से अखज किया जाता है। और यहाँ पर जिन लोगों को पता है कि इसकी क्या अहमियत है और जिन लोगों को पता है इसकी क्या अहमियत है, तो वो जानते हैं कि यहाँ पर क्यों अल्लाह सुबहाने तआला ने कोई एम्फेसिस इस्तेमाल नहीं किया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम हक होने की दलील है कि पता था बिल आखिर कोई ना कोई उठेगा, उस दौर में तो यकीन कर लिया जाता है ना, उस दौर में कोई सोनोग्राफी मशीन्स नहीं थे, उस दौर में कोई नहीं पता था कि क्या होना है, कोई मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं थे कि वो बारिश का हाल बता देते, लेकिन आज के दौर में बोल सकते थे ना,
तो अल्लाह ने कोई इन्ना इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही कहा कि कोई जान नहीं जान सकती कि कब कितनी बारिश होनी है, कोई जान नहीं जान सकती कि क्या है बतन में। तो अल्लाह ने सारी चीजों को यहाँ पर कवर कर दिया कि इल्मुस्सा तो ये तो कभी कोई बता ही नहीं सकता, जो बताता है वो क्या कर रहा है, वो धोखा कर रहा है तुम्हारे साथ। कोई जान नहीं जान सकती कि कल क्या कमाने वाली है, कोई अगर तुम्हें बताता है कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ ये होने वाला है, उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, जो लोगों को बदजन कर रहा है उनको भी उठा के साथ में लेकर जाओ। फिर जो कहे कि मैं यहाँ मरूंगा, मुझे यहाँ कर देना वहां कर देना, कोई कितनी भी वसीयत करे, जिसको जहां मौत आनी है वो वही आती है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत और उसके इल्म और उसके खबीर होने की क्या है दलालत है। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह उसी के पास इल्म है घड़ी का, यानी वो जब के सारा कुछ आ जाएगा और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, फना कर दिया जाएगा, उस घड़ी का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। और वो नाजिल करता है क्या, गाइस यानी के बारिश, और इसे हम कहते हैं नमाज इस्तगासा, इस्तगासा इसको ये नमाज, हाँ बारिश के लिए दुआ करना। और वो इल्म रखता है जो अरहाम में है, जो बतन में है, और नहीं वो कौन नफ्स, ये ताकत तर्जुमा वो इसलिए करें क्योंकि नफ्स फीमेल है, और नहीं वो इदराक कर सकती, जान सकती कोई जान, क्या वो कमाने वाली है कल के दिन, आने वाले कल के दिन, और नहीं वो जानती कोई जान कि कौन सी जमीन पर उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला बड़ा बाखबर है। चले रिपीट करेंगे, शाइना आप पहले कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته سميت به نفسك أو علمته به أحدا أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا.